आज का विषय है उदारवादिता। इस विषय का प्रारंभ मैं ऋग्वेद के इस मंत्र के द्वारा करती हूँ। न स सखा योन ददाति सख्ये सचा भुवे सच मानाय पित्वः अपास्मात् प्रयान्न तदोको अस्ति प्रणन तमन्य मरणम चिदिच्छेत। अर्थात जो कृतज्ञता का बदला नहीं चुकाते, अपनी सेवा देने में कृपणता दिखाते हैं, उनका संसार में कोई भी हितैषी नहीं होता। इसलिए मनुष्य को सदैव उदार स्वभाव का होना चाहिए। इस मंत्र का संदेश यह है कि मनुष्य ईश्वरीय विराट सत्ता का एक अति सूक्ष्म अंश है। परमेश्वर ने असंख्य जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, औषधियां उत्पन्न की हैं। जल, थल, नभ, पवन, सूर्य, चंद्र, तारे आदि बनाए हैं। इन सब में इस मनुष्य शरीर की रचना विशेष प्रयोजन से की है। परमपिता की यह अद्भुत कृपा ही है कि उसने इस दिव्य रचना में अपने सर्वोत्तम कौशल का प्रदर्शन किया है। संसार में जो कुछ भी उत्पन्न किया है वह उसके उपभोग के लिए बनाया है। यह जानकर भी हम उस परम प्रभु के प्रति आभार व्यक्त करने में कंजूसी बरतते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ होने के बजाय स्वयं अहंकार से भरे रहते हैं। ईश्वर का आदेश है, त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः, अर्थात त्याग पूर्वक भोग करो और लालच न करो। पर हम सब कुछ स्वयं ही समेट लेना चाहते हैं और स्वार्थ में हर समय लिप्त रहते हैं। हमें सर्वप्रथम उस विराट सत्ता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए और उसके आदेशानुसार स्वार्थ वृत्ति छोड़कर समाज में सबकी भलाई के लिए कार्य ही करने चाहिए। दैनंदिन जीवन में भी मनुष्य एकाकी नहीं रहता, हर समय हर ओर से उसे सहयोग मिलता रहता है, तभी वह इतनी प्रगति कर सका है। हम में कितनी भी प्रतिभा और क्षमता हो, पर दूसरों के सहयोग के बिना कुछ कर पाना प्रायः असंभव है। हमें अपने सभी सहयोगियों का उदारता पूर्वक आभार मानना चाहिए। छोटे बड़े, ऊंच नीच का कोई भेदभाव किए बिना ही उसकी सहायता का अधिकाधिक प्रतिकार करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें जो कृपणता बरतते हैं वे घोर अधर्म का कार्य करते हैं और परमात्मा की कृपा से सदैव वंचित रह जाते हैं। यह मनुष्य का दुर्भाग्य ही है कि हर समय वह अपने शरीर की पुष्टि, इंद्रियों की तृप्ति, धन की प्राप्ति, सांसारिक प्रेम, शान शौकत, घर गृहस्थी को ही इस जीवन का परम लक्ष्य समझते हुए उसी में अपना सारा जीवन लगा देता है। इन कार्यों में फंसा हुआ मनुष्य जीवन मूल्यों के प्रति उदासीन भाव रखता है और समाज में भी तिरस्कृत होता है। समय पड़ने पर संसार में कोई भी उसकी सेवा सहायता के लिए आगे नहीं आता, कोई भी उसका हितैषी नहीं होता। जो व्यक्ति दूसरों का आभार नहीं मानता, किसी को सहयोग नहीं करता, केवल अपने में ही मगन रहता है, समाज भी उसका तिरस्कार ही करता है, कभी भी उसकी सहायता में आगे नहीं आता। हमें अपने आदर्श जीवन मूल्यों को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करना चाहिए और संसार में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जिस जीव जंतु का भी हमें सहयोग सहकार मिलता है उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन में कृपणता नहीं बरतनी चाहिए। हर समय यही प्रयास करते रहें कि उन सबके उपकार के बदले उनकी अधिक से अधिक सेवा सहायता कर सकें। परमपिता परमेश्वर के प्रति तो आभार व्यक्त करना हमारा परम धर्म ही है। तो मित्रों, इस ऋग्वेद के मंत्र के द्वारा आज हमें यह ज्ञात होता है कि उदारवादिता हमें अपना स्वभाव बना लेना चाहिए। सर्वप्रथम प्रारंभ हमें ईश्वर का धन्यवाद देकर ही करना चाहिए।